हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक डिजाइन इन हिंदी। दोस्तों आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे 10x4 का जेनरिका फार्मेसी का यानी मेडिकल लाइन से रिलेटेड बैनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं सिंपल एंड श्योर। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपना कोरल ड्रॉ ओपन करना होगा, जैसे मैंने ओपन कर रखा है। अब यहाँ से आपको साइज सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ से आपको साइज सेलेक्ट करना है, यानी यहाँ पे 10 और नीचे 4 यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देना दोस्तों, कि यहाँ पे बॉक्स बन जाए। अब दोस्तों ये रेक्टेंगल टूल होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करना है, माउस से डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल आपके बॉक्स में फिल हो जाएगा। दोस्तों शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो बॉक्स हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे साइज इसका दोस्तों फिल करना है 10x4 और एंटर कर देना। दोस्तों कुछ इस तरह से इसका साइज हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे इसमें डबल क्लिक करके फिर रेक्टेंगल फिल करना है। और मैं यहाँ से फटाफट इसमें मैटर टाइप कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया GERNRICA जेनरिका। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे मैटर टाइप करना है PHARMACY जेनरिका फार्मेसी। नीचे का मैटर हिंदी में है दोस्तों, मैं जल्दी से मैटर टाइप कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ का मैटर मैं हिंदी वाला भी टाइप कर लेता हूँ, जन और यहाँ पे इसको हिंदी फॉन्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ से इसको ढा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो नीचे मैटर लिखा है वो भी लिखना है हमें, तो इस मैटर को लिखने के लिए यहाँ पे इसको सर्वोच्च गुणवत्ता की अंग्रेजी दवाएं 40% से 90 की कम कीमत में। अब दोस्तों यहाँ पे 40 को कर लेते हैं इंग्लिश और यहाँ पे 90 कर लेते हैं इंग्लिश। दोस्तों यहाँ से सबका फॉन्ट साइज छोटा कर लेंगे, मोबाइल नंबर है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, मैंने मैटर टाइप कर लिया है, अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद अब इसको सेट करना है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको मैटर सेट करना है। मैटर सेट करने के लिए आपको यहाँ से ये जेनरिका फार्मेसी कुछ किस तरह से लिखना है। इसमें फॉन्ट चेंज कर लेंगे दोस्तों, फॉन्ट इसमें वो वाला रखेंगे जिसमें दोस्तों स्पेस हो फॉन्ट में ज़्यादा। तो मैं यहाँ से टाइप करता हूँ एरियल और यहाँ से एरियल का एरियल बोल्ड, इसको दोस्तों इतना बड़ा कर देता हूँ। जेनरिका फार्मेसी कुछ किस तरह से दोस्तों, यहाँ से जन औषधालय लिखना है, जन औषधालय का फॉन्ट में यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ से फॉन्ट बोल्ड फॉन्ट यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, ये फॉन्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे तो बड़ा बड़ा लिख देंगे कुछ इस तरह से दोस्तों। उसमें फोटो में दिखा रहा था कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में प्लस का निशान फिल करना है दोस्तों कुछ इस तरह से। दोस्तों प्लस बनाने का मैं सबसे अच्छी आपको ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ से आपको रेक्टेंगल टूल लेना है, कंट्रोल के साथ ड्रैग करना है और इसको छोड़ देना। उसका दोस्तों कंट्रोल के साथ फिर ऊपर से क्लिक करके राइट क्लिक करना है, फिर कंट्रोल आर प्रेस करना है तो दोस्तों आपको तीसरा बॉक्स कर देना। अब दोस्तों तुमको क्या करना है, इसको तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देना है। दोस्तों अब इन तीनों को क्या करना है, सिर्फ के साथ W प्रेस करेंगे या यहाँ पे आ जाएंगे, अगर आपने शॉर्टकट की बनाई तो सिर्फ के साथ W प्रेस करेंगे या तो यहाँ पे ब्लेंड कर देंगे। तो दोस्तों प्लस का बहुत अच्छा सा दोस्तों ये एरो बन जाएगा, सिंबल बन जाएगा बहुत अच्छा सा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको कंट्रोल क्लिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ला के छोड़ेंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे नीचे मैं जो कीबोर्ड से की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे सब कुछ शो हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और शिफ्ट के साथ सी प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से, तो सेंटर अलाइन हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है
यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ और कोई सिंपल सा फॉन्ट यहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि ये फॉन्ट ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो परसेंटेज वाली लैंग्वेज है इसको इंग्लिश में करनी है, तो इसको इंग्लिश में कर लिया दोस्तों। यहाँ से 19 को भी इंग्लिश में करते हैं, 90 को इंग्लिश में कर लिया। अब दोस्तों में क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस पूरा नहीं है तो कम कीमत में उपलब्ध है ये ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर लाइन दोनों की हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे इस तरह से बोल्ड कर देंगे। दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड देना, बैकग्राउंड आप ब्लू भी दे सकते हैं क्योंकि नेचर से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड दे देता हूँ कुछ इस तरह से, और एरो को आप रेड कर सकते हैं दोस्तों। और कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आउटलाइन का पैनल खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको आउटलाइन सेलेक्ट करनी है अपने हिसाब से, और यहाँ से बिहाइंड फिल करना है, ओके कर देना दोस्तों कुछ इस तरह से। और राइट क्लिक करेंगे कलर पे जाके, यहाँ पे इसका आउटलाइन वाइट किया जाएगा। आउटलाइन थोड़ी और मोटी कर देता हूँ मैं, 4 की आउटलाइन कर देता हूँ या 5 के अराउंड। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इसका भी कलर वाइट कर लेते हैं, और जन औषधालय को दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट नीचे से क्लिक करके इसको खींचेंगे कुछ इस तरह से, और ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इसको इसके अलाइन करना है कुछ इस तरह से, और जनजिका फार्मेसी को हम लोग एक बॉक्स के अंदर रख देंगे जो देखने में ठीक लगेगा। तो दोस्तों रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे दोस्तों। जैसे जैसे माउस ऊपर नीचे करेंगे, देखिए दोस्तों ये इस तरह से ऊपर नीचे होगा, तो आपको जहाँ पे करना है वहाँ पर खोल देंगे दोस्तों क्लिक करके। यहाँ पे F10 वाले यानी सेव टूल पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप चारों तरफ से कॉर्नर से कर्व हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह से, राउंडेबल हो जाएगा। अब दोस्तों इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना है, यानी दोनों चीज सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल कीबोर्ड से आपको सी और ई प्रेस करना है तो सेंटर अलाइन हो जाएगा दोस्तों। इसको हल्का सा कंप्रेस करेंगे, इसका कलर कर लेंगे दोस्तों येलो, और यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ पेजअप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका कलर कर लेते हैं रेड, और यहाँ पे इसकी आउटलाइन खत्म कर देते हैं। आउटलाइन खत्म करने के इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन हट जाएगी दोस्तों। अब इसको जो रेड कलर लिखा है इसका आउटलाइन लगानी, तो F12 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और यहाँ से 4 की आउटलाइन लगा देंगे वाइट की, तो यहाँ पे वाइट कर दिया मैंने कुछ इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे और डाले का कलर आपको करना है वाइट, कि वाइट कलर इससे शो होगा ज़्यादा अच्छा। और दोस्तों यहाँ पे इसका कलर आपको करना है येलो या वाइट, आप जो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इसको भी वाइट कर देता हूँ इस तरह से। दोस्तों इसके बीच में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि ऊपर की हेडिंग अलग लगे और ये नीचे का मैटर अलग लगे। तो लाइन ड्रॉ करने के दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देता है आपको, ये फ्री हैंड टूल पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर ही ऑप्शन देता है राइट हैंड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, शिफ्ट की तरफ प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और जहाँ तक आप माउस को ले जाएंगे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और इस तरह से क्लिक कर देंगे छोड़ देंगे। अब दोस्तों इसको सेंटर कर लेते हैं, और इसको थोड़ी सी बोल्ड कर लेंगे तो इसमें भी आउटलाइन क्लिक करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको 3 की आउटलाइन दे देंगे, थोड़ी बोल्ड हो जाएगी दोस्तों। राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसका कलर वाइट हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से आपका ये जन औषधालय का बोर्ड बैनर क्रिएट हो जाएगा। सबको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे सिलेक्ट करके, और इस बैकग्राउंड वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके और सी और ई प्रेस करेंगे दोस्तों, सारा मैटर सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद देखिए, ये आपका बैनर कुछ इस तरह से 10x4 का बैनर आपका रेडी हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ से ड्रॉप शैडो भी क्रिएट कर सकते हैं, जो जन औषधालय लिखा है तो इसका ड्रॉप शैडो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉप शैडो पर क्लिक करना है, और कुछ इस तरह से यहाँ से ड्रॉप शैडो क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे इसका साइज कर लेंगे 65 अराउंड, और आपके हिसाब से आप जिस जो भी इतना कर सकते हैं, और यहाँ से कुछ इस तरह से देखने के लिए हो जाएगा उसको दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड आपको वीडियो डेली आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।